भले मेरे सृष्टि कहाँ से, हजार साल तक उन्होंने पता लगाए कोई पता ही नहीं मिला। व्यंजन वर्ण के दो अक्षर सुने, सोलमा और इकोसमा, प्रता और उपा। बोले तुम तपस्या कर, ब्रह्मा जी तपस्या किए तो ठाकुर जी उनको सारी ब्रह्म विद्या उनको सिखा दी। इसलिए भागवत को चतुश्लोकी बताया गया। पहले ये चार श्लोक रूप में ठाकुर जी ब्रह्मा जी को दिए थे और इसकी व्याख्या ये संपूर्ण ये श्रीमद् भागवत है। तब ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उन्होंने चतुष्ण को सृष्टि किए। बोले बच्चों ये सृष्टि का क्रम को तुम बढ़ाओ। बोले पिताजी हम ये घर गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना चाहते। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनको ललाट से श्री शंकर जी रुद्र प्रकट हुए। शंकर जी को भी आदेश दिए, लेकिन शंकर जी जोगी जोगी महाजोगी, वो प्रभु की भजन मस्त रहते हैं। शंकर जी ने देखा अगर पिताजी को मैं मना कर दूं ना फिर पिताजी बिगड़ जाएंगे। फिर उन्होंने भूत पिशाच को सृष्टि करना शुरू किया। ब्रह्मा जी बोले कोई सृष्टि है भूत पिशाच, जरूरत नहीं तेरे को सृष्टि करना, बंद रखो। शंकर जी बड़े खुश हो गए। फिर परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की। फिर उन्होंने 10 बेटों को, फिर ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को सृष्टि की। और इसी से ही ये संसार बनी है। पहले जो सृष्टि थी ये मानसिक सृष्टि थी, लेकिन पति पत्नी का मिलन से जो सृष्टि हुई ये मनु महाराज से सृष्टि हुआ। हाँ देखो, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोग जैसे डार्विन, आप सुने होंगे डार्विन एक साइंटिस्ट हुए, लेकिन वो कहता है पहले हमारे पूर्वज जो बंदर थे और वो बंदर का पूछ कटते कटते खत्म हो गया और इंसान हो गए। लेकिन हमारे भागवत कहता है नहीं, हम लोग बंदर से नहीं आए हैं, हम आए श्री ठाकुर जी से आए हैं, हम श्री ठाकुर जी से आए हैं। इसलिए आप भगवत गीता को पढ़ो, कृष्ण गीता में कहते हैं ये जो जीव है ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव सब मेरे बच्चे हैं, मेरे अंश हैं। आप लोग बाइबल को उठाओ, ये क्रिश्चियन का ग्रंथ, वहां पर लिखा हुआ गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, मतलब भगवान ने अपना जैसे उन्होंने ये इंसान बनाया। अब कुरान उठा करके पढ़ो, कुरान में लिखा हुआ अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया है। इसलिए कहीं पर नहीं बताया कि बंदर से हम आ गए। बंदर हमारे स्वामी महाराज कहते हैं जो इस्कॉन का प्रतिष्ठा था, अगर बंदर से हम तभी क्यों इंसान हो गए, अभी तो बहुत सारे बंदर घूम रहे हैं। अभी कोई बंदर को देखते हो कोई इंसान बन रहा है, कोई बंदर कहते उसको पूछ कटते कटते, मतलब पूछ कटते कटते हो गए इंसान, वो बीच का अंश कहाँ गया है? बंदर इंसान जो बीच में था वो बीच कहाँ गया है? इसलिए ये डार्विन मरने से पहले खुद बोल कर गया है, बोले बंदर से कभी इंसान बन ही नहीं सकते। वो खुद बोले, बोले तुमने ये बात क्यों बताई? उसने बताया ये सरकार ने मेरे को फोर्स किया था, तुमने प्रूव करके दिखा दो जे ये बंदर बंदर से इंसान बने। बोले क्यों? कहते लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, भगवान भगवान कुछ है नहीं है, हम वैसे ही हम सबके टपोगे बड़े। इसलिए ये डार्विन स्वयं ये बात को बोल करके जाता है। देखो आपका गोत्र क्या है? समदिया। आपका गोत्र क्या है? कुशल। आपका गोत्र क्या है? तुम्हारी गोत्र क्या है? आपकी गोत्र क्या है? ये लोग कहाँ से आए? हाँ देखो, जब ब्रह्मा जी उन्होंने 10 संतान को प्रकट किया, सृष्टि किया, कहते हम लोग जिस जिस ऋषि की परंपरा में हम आए हैं, इसलिए हमारे भारत में सब गोत्र अलग अलग गोत्र है। आप देखो इनकी चेहरा में ये नहीं मिलेगा, इनसे चेहरा ये नहीं मिलेगा, पृथ्वी में कभी दो व्यक्ति नहीं मिलेंगे एक चेहरा वाले, क्योंकि हम लोग सबके सब अलग अलग गोत्र से और अलग अलग ऋषियों से हम सबके सब आए हैं। सबके सब अपना अपना कर्म के हिसाब से, शरीर सूरत सब कुछ पूर्व जन्म का कर्म के हिसाब से बना हुआ है। इसलिए हम लोग बंदर से नहीं आए हैं, हम लोग कहाँ से आए? हम कहाँ से आए? भगवान से। आप देखो यहाँ पर भगवान का कोई तस्वीर है कहीं? ठाकुर जी की यहाँ बैठे हैं। आप भगवान को साथ में और राम का विग्रह लो और कृष्ण का लो, उनको साथ में मिलाओ। भगवान राम कब आए? करोड़ों साल पहले। कृष्ण कब आए? कब कब? द्वापर युग में 5,500 साल भगवान कृष्ण आए हैं। अब उनकी चेहरा को साथ में आपका चेहरा मिला, मिलेगा कि नहीं? देखना राम का नाग जैसे हमारी नाग वैसे,
कृष्ण का नाक जैसे हमारी नाक वैसे, कृष्ण का आंख जैसे हमारी आंख वैसे, राम के कितने हाथ है, हमारे कितने हाथ है, दो है ना। देखो भक्त राम और कृष्ण को साथ में आपका चेहरा मिला दो, आपके चेहरा मिलेगा कि नहीं? आप एक बंदर को ला करके मिलाओ, मिलेगा? बंदर की कोई भी चीज तुम्हारे साथ में मिल जाएगी, कोई चीज बंदर की मिलेगी? कोई चीज बंदर की मिलेगी नहीं। इसलिए हम लोगों ने कोई बंदर से नहीं हुए, हम किससे हुए हैं? हम श्री ठाकुर जी से हुए। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरी वह माता च, इसलिए हम ये कहते हैं प्रभु आप भी हमारा पिता, आप भी हमारा माता है, आप भी हमारे सब कुछ है। इसलिए कोई कोई कहता है भगवान को थोड़ी तुमने देखे हो, हमने जो चीज देखा नहीं कभी मानते नहीं। देखो आप लोग ने अकबर का नाम सुने हो? सुने हाँ, एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। अकबर का मंत्री का नाम क्या था? बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल को दो क्वेश्चन किया है, बोले बीरबल तुमको दो दिन में ये दो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, नहीं तुम्हारी नौकरी जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन था भगवान है तो कहाँ है, दूसरी क्वेश्चन थी है तो भगवान क्या कर रहे हैं। कहते दो दिन में इसका आंसर तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। अभी बीरबल घर में आकर ना गुमसुम हो गया, सारे खाना पीना बंद कर दिया, चुपचाप हो गया। उसका घर में एक छोटे बालक था, बोले पिताजी क्या हो गया, अब ऑफिस से आकर किसे बात नहीं कर रहे हो, खाना पीना नहीं खा रहे हो? बोले बच्चा तू नहीं समझेगा, तू जा। बोले पिताजी एक बार बताओ तो सही बात किया है। बोले अकबर ने मेरे को दो प्रश्न किया, भगवान है तो कहाँ है और है तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। अभी भैया हमें क्या पता भगवान है तो कहाँ पर कर रहे हैं, क्या हमें क्या पता भगवान क्या कर रहे हैं। इसलिए अगर नहीं दे पाऊंगा मेरी नौकरी जाएगी, फिर तुम हम पलेंगे कैसे? इसलिए बेटा हम तो बड़े दुखी हैं। बोले पिताजी इतने छोटी सी प्रश्न के लिए आप इतने चिंतित हो गए, कोई चिंता मत करो, खाओ पियो मस्त रहो, दो दिन बाद में चलो ना मेरे को साथ में ले चलना, अगर राजा क्वेश्चन करे बताना ये कौन सा बड़ी भारी क्वेश्चन, मेरा बेटा भी दे सकता है। बोले तू दे दोगे? बोले पिता की चिंता क्यों करते हो, अभी खाए पिए मस्त रहे, दो दिन बाद में गए राजा ने बताया। क्यों अकबर मेरे प्रश्न का आंसर लेकर के आए हो? बोले महाराज जी ये छोटा बालक मेरा उत्तर दे सकता है। बोले दे देगा? बोले हाँ। बोले उसको पूछो। तो उन्होंने पूछा ये बताओ बच्चा भगवान है तो कहाँ है। तो वो बच्चा ने कहा महाराज जी 10 किलो दूध मंगाओ। 10 किलो दूध मंगाया। बोले इसके अंदर में घी है, आप मेरे को दिखाओ इसमें घी कहाँ है। बोले घी है कि नहीं? बोले घी है। बोले मेरे को दिखाओ घी कहाँ है। बोले ऐसे थोड़ी दिखेगी, पहले उसको गर्म करो, फिर जमाओ, फिर उसको मंथन करो, फिर क्या मक्खन निकलेगा, फिर उसको पिघलाओ, फिर क्या हो, फिर इसमें घी निकलेगा। बोले महाराज जी साधारण दूध में घी है लेकिन इसके लिए प्रोसेस बताया, इतना प्रोसेस हो तभी जाकर क्या इसमें घी निकलेगी। आप कह रहे हो भगवान है कहाँ, दिखाओ, ये कोई लड्डू थोड़ी बनाओ और खा लो। जिनको पाने के लिए कहते शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश चाहे निरंतर ध्यान, उनको पाने के लिए कितने ऋषि मुनि कितने कठोर तपस्या करते। बोले क्यों? बोले जिसको एक बार जीव का दर्शन मिल जाए उसका जन्म मृत्यु का सारे भव बंधन नष्ट हो जाता है। आप कह रहे हो भगवान हो कहाँ, दिखा दो लड्डू थोड़ी है और बनाया और खा गया। उसके लिए शास्त्र में साधन भजन की प्रोसेस बताया, वो प्रोसेस के अनुरूप चलोगे तो एक दिन आपको ठाकुर दर्शन मिलेंगे। आप कह रहे हो दिखा भगवान का, उसके साधन भजन करो, नहीं तो ऋषि मुनि क्यों इतना साधन भजन करते हैं। राजा तो चुप हो गया। बोले हाँ भाई सही बात बताया। इसके फिर दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न क्या था? क्या कर रहे हैं भगवान है तो क्या कर रहे हैं। जब उन्हें दूसरी प्रश्न पूछा, बोले प्रश्न कौन कर रहा है? बोले मैं। बोले आंसर कौन देगा? बोले तू। बोले महाराज जी कृष्ण गीता में कहते हैं अगर किसको ब्रह्मा विद्या की प्रश्न कर, उसका तीन प्रोसेस कृष्ण बताए। बोले पहला जो नियम है, बोले तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्ने न सेवया। ये तीन चीज जरूरत है ब्रह्म विद्या को पाने के लिए। बोले पहला क्या है? पहले जाकर के प्रणाम करो, फिर उनकी सेवा करो, फिर जाकर कोई प्रश्न करो। ये इसका प्रोसेस इसको बताया, तभी ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। प्रश्न आप कर रहे हैं, मतलब आप हो गए स्टूडेंट, मैं आंसर दूंगा, मैं हो गया टीचर। टीचर कहाँ बैठता है और स्टूडेंट कहाँ बैठता है बताओ? आप प्रश्न कर रहे हो, वो ऊपर बैठे हो, मैं उत्तर दूंगा, वो मैं खड़ा हूं। ये सही, ये ब्रह्म विद्या जानने की सही प्रोसेस नहीं। अगर इसका उत्तर सुनना चाहे तो ऊपर नीचे उतर,
और मेरे को सिंहासन में बैठा, फिर हाथ जोड़ करके मेरे को प्रणाम करके प्रश्न कर, अकबर तो फंस गया, वो फंस गया। फिर उसको नीचे उतारना पड़ा और उसको बच्चे को सिंहासन में बैठाया। बोला भाई हाथ जोड़ करके पूछो। पूछा भगवान है तो क्या कर रहे हैं? बोले यही कर रहे हैं ना। बोले क्या कर रहे हैं? बोले भगवान एक मच्छर को एक मिनट में ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, रंक को राजा बना सकते, राजा को रंक बना सकते हैं। अभी आप कहाँ थे? सिंहासन में ना। अब ठाकुर जी आपको नीचे उतार दिया, मैं आपका मंत्री हूँ और ठाकुर जी मेरे को ऊपर बैठा दिया, भगवान अब यही कर रहे। बोले वाह क्या उत्तर दिया बच्चा, राजा तो बड़े खुश हो गए, इतना छोटा बच्चा जिसने आंसर दिया। हाँ देखो आप न्यूटन का नाम सुने होंगे है ना, उनका न्यूटन सर कहते हैं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट था वो। जब कोई चीज रिसर्च करता था उसने कभी कभी उसको दिमाग कहीं काम नहीं करता था, उसको लगता था नहीं ये दुनिया में कोई एक कोई है जो कि ये सारा दुनिया को चला रहा है। देखो ये छोटा सा घर है, इसमें कितने कितने परिवार रहते हो, इसमें कितने लोग रहते हो, कितने लोग रहते हो इसमें बताओ, कितने हो परिवार में, कितने लोग है? तीन बच्चे, इसलिए समझो 8-10 व्यक्ति रहते हैं। ये तीनों बच्चे काम करते होंगे, कमाई करते होंगे, फिर उनका पत्नियां घर का साफ सुथरा करती हैं। मतलब ये छोटी सी घर को मेंटेनेंस करने के लिए ये 8-10 लोग दिन रात पसीना को एक कर देते हैं, फिर जाकर के छोटी सी जगह किसी तरह से इसको मेंटेन कर पा रहे हैं। ये घर को एक दिन अगर साफ मत करो ना, घर गंदा हो जाती है। और ये दुनिया जो चलता है क्या अपने आप चल जाती है दुनिया? न्यूट्रॉन सोचता था कोई एक है, कोई एक है जो कि ये सारे काम करता है। देखना एक सीजन को बात में दूसरे, दूसरे सीजन में तीसरे। आप देखना फल को भी देखना, एक सीजन में हर फल नहीं आता है, अलग 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 सीजन में अलग अलग फल, अलग अलग फूल आता है, अलग अलग सब्जी भी अलग अलग आती है, हर चीज देखना सब अलग अलग आती है। जरूर कोई एक है जो कि ये जगत को चलाता है। लेकिन उसका एक दोस्त था, वो भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन वो नहीं मानता था भगवान भगवान कुछ है। बोले नहीं ये प्रकृति के नियम से सारे दुनिया हो रहा है, पीछे कोई है नहीं। एक दिन उसने किया कि सारे उसके दोस्तों को घर में बुलाया, एक उत्सव किया और एक टेबल के ऊपर में उसने एक सोलर सिस्टम बनाया। ये पृथ्वी में कौन सा ग्रह कहाँ पर कैसे कैसे काम करता है, इतने बढ़िया उसने बनाया। अभी उसका दोस्त लोग सारे आए और उसको देख करके ना चारों तरफ पर सब घर गए, इतने बढ़िया न्यूटन ने बनाए थे। जो उसका दोस्त नहीं मानता था, नहीं अपने आप में दुनिया चलता है, कोई पीछे कुछ करता नहीं, तो वो आकर के ऐसे से आग फाड़ फाड़ कर दिख रहा था। उसने न्यूटन को पूछा भैया इसको बनाया किसने? बोले किसी ने नहीं बनाया, वो अपने आप हो गई, अपने आप बन गई। बोले पागल हो गया, अपने आप कोई चीज होता है क्या? न्यूटन ने कहा मैं तेरे को इतने सी चीज समझाना चाह रहा था, ये साधारण एक चीज है, बिना बनाए नहीं बन सकती है। आप देखना भले ही हमको उठने में 10 मिनट लेट हो जाए, सूर्य उठने में 10 मिनट कब लेट करता है, ये चंद्रमा की जो ऋतु जाती है, ये भाई अपना अपना इतना टाइम पर ठीक ठीक अपना अपना टाइम पर सारे काम हो रहे हैं। कैसे हो रहा है? जैसे आपका मोबाइल चलता है, इंटरनेट चलता है, वो कैसे अपने आप क्या चलता है? अपने आप चलता है, उसके लिए कोई मैसेज भेजा गया है, उसको यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, तभी जाकर छोटी सैटेलाइट को साधारण एक चीज को यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, तभी सारे ये जितने मैसेज फैसले सारे चल रहा है। उसी तरह उसने कहा ये दुनिया तो किसी ने बनाया नहीं, कोई पीछे है नहीं, ये दुनिया अपने आप चल रही, अपने आप नहीं चल रही है। उसको पीछे हम कहते हैं ना, उसके इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, हम कहते हैं ना एकदम ये बात सही है। इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को ये चीज समझाते हैं भागवत में। बोले माँ देखो ये श्लोक है, बोले मत भयात बातिवा त्वयम सूर्यस तपति मत भयात वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृतुश्चरति मत भयाति। ठाकुर जी अपना माँ को कह रहे, बोले माँ मत भयात बातिवा त्वयम, कहते जो हवा बह रही है मेरे डर से, ये जो सूर्य उदय होते हैं मेरे निर्देश के ऊपर, ये जो अग्नि में जो दाही खा सकती है मेरे आदेश पर काम करती। बोले माँ ये दुनिया में जो कुछ हो रही है मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे निर्देश के ऊपर में सारे ग्रह नक्षत्र मेरे निर्देश से चलते हैं। इसलिए दुनिया में अपने आप जगत में कुछ भी नहीं हुआ है, उसको पीछे कोई होगा फिर तो वो चीज जाकर के होती है। इसलिए यहाँ पर श्री मनु महाराज से फिर ये सृष्टि आई है, उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने 3 बेटियों को जन्म दिया, आकुति
देहूति और प्रसूति और दो बच्चे दिए उत्थानपाद और प्रियव्रत। कहते उनको परछाई से ये कर्दम ऋषि सृष्टि हुए थे, इसलिए कर्दम ऋषि कठोर तपस्या की। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वर मांगो। बोले प्रभु आपके चरण में हमें भक्ति दो। बोले तपस्या। बोले और कुछ चाहते हो? बोले मेरे तो मन में कोई संसार की इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा संसार बढ़े, आपकी इच्छा जान करके मैं संसार करूंगा, लेकिन मेरी दो शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त? बोले पहला शर्त है तब भी मैं संसार करूंगा अगर आप मेरे बेटे बनकर के आओगे। आप बेटे बनोगे मेरे? बोले ठीक है, मैं बेटा बनकर के आऊंगा। बोले दूसरी शर्त, बोले तब तक संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, फिर मैं भजन करने के लिए चला जाऊं। बोले कोई बेटा बात नहीं। फिर माता देहूति से शादी हो गई। फिर उसको बाद में फिर वो भजन में बैठ गए। माता देहूति अपना पतिव्रता धर्म से पति की सेवा करते रहे, और पति भोजन नहीं कर रहे हैं इसलिए माता देहूति भी भोजन नहीं की 10,000 साल तक। जब उन्होंने आंख खोले देखा सामने एक डोगरी बूढ़ी, वो भूल गए मैंने कभी शादी की। बोले तुम कौन हो? बोले आप भूल गए कभी शादी किए थे? वही देहूति, वो इतने सुंदर थी आकृति, देहूति प्रसूति इतने सुंदर थी, बोले स्वर्ग से देवता लोग भी जिनकी सुंदरता देख करके बेहोश हो जाते, इतने सुंदर थी, लेकिन पति की सेवा करते करते एकदम वृद्धावस्था हो गई। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अभी पति भोजन नहीं करती, जब पति भोजन नहीं करती फिर ये कैसे भोजन करेगी? क्योंकि पति व्रता स्त्री है, इसलिए पति भोजन नहीं की इसलिए उसने भी कोई भोजन नहीं की। यहाँ पर माता देवती सब माताओं को शिक्षा देती है, ऐसे नहीं रसोई बनाए बच्चों को पति को नहीं खिलाए पहले छटकर नहीं, यहाँ पर मना करते हैं, हैं? यहाँ पर मना करते हैं जब तक बच्चों को पति को नहीं खिलाओ उसको पहले भोजन नहीं करनी चाहिए। वृद्ध हो गए, देखो इसका फल क्या है। बोले तुम क्या चाहते हो? बोले आपने क्यों शादी किया था भगवान को? बोले ना बेटे बन करके आए। हाँ, बोले जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करते ही इतने सुंदरी बनकर के प्रकट हुई, पहले जितने सुंदरी थी, और 1,000 दास दासियों को साथ से प्रकट होती है। फिर श्री कर्दम ऋषि एक विमान प्रकट किए हैं जिनका नाम श्री कामक विमान है। देखो पहले जो साइंस है अभी का साइंस बहुत एडवांस था, बहुत एडवांस था, जिसका नाम कामक विमान। कामक विमान मतलब कोई पेट्रोल की डीजल की कोई जरूरत नहीं, जैसे इच्छा करोगे वैसे उड़ेगा। और वो वर्णना आया है कितने क्रोश तक वो विमान थी, जिसमें सुंदर राजमहल है, जिसमें सुंदर सरोवर है, बड़े सुंदर सुंदर फल फूल से, मतलब जिस विमान में बैठोगे कभी भूख नहीं लगेगा, कभी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, उसमें कोई बूढ़ा और कोई बूढ़ी नहीं बनेगी। इतने अद्भुत वो विमान थी, इतने अद्भुत विमान, और उसको ऊपर में पति पत्नी बैठ करके आकाश में भ्रमण करते रहे। बड़े सुंदरी नाट हो उनकी बेटी हुई। बोले अभी तक तो खुश हो गए ना, ना बेटी हो गई। बोले नहीं बेटी, आपका शादी करके अपना अपना ससुर घर चली जाएगी, अभी हमारे मेरे पास में कौन रहेगा? भगवान से बोले थे ना बेटे बन करके आओगे, अभी तो बेटे बन कर ठाकुर आए नहीं। फिर उन्होंने उनकी सेवा की तो ठाकुर जी इनकी कपिल मन रूप में श्री ठाकुर जी आते हैं। बोले श्री कपिल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। अभी उन्होंने बताए थे संतान हो जाएगा तो भजन करने के लिए चला जाऊंगा, घर में नहीं रहूंगा, लेकिन घर में बेटियां आ गई। अगर घर में बेटी हो पहले पिता माता का कर्तव्य है बेटियों का शादी करवा, ये सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन कितने बेटी है? कितने बेटी है? 9 बेटी है। आप लोग बेटियों को शादी दिलाते होंगे, देना एक बेटी को शादी दो ना घर खाली हो जाती है, लेकिन कितने इनकी बेटी है? 9 बेटी। इतना आसानी नहीं 9 बेटी को शादी देना। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर आपकी हृदय में प्रभु की भक्ति करने की इच्छा हो ना, ठाकुर जी सारे व्यवस्था ठाकुर कर देते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी अपना 9 बेटियों को साथ में आए, अरे बेटे भी शादी के उपयुक्त, ये बेटियां भी उपयुक्त शादी के 9। बोले भैया एक साथ में जोड़ी अच्छी बन रही है, और शुभम शीघ्रम शुभ कार्य जो शीघ्र कर देनी चाहिए, इनको एक साथ में शादी करवा दो। शादी करा दिया तो पूरा घर खाली। अभी घर में 3 व्यक्ति रह गए, पिता माता और बेटा रह गए। अभी पिताजी कर्दम ऋषि भजन करने के लिए अभी जा रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप ध्यान देकर इस चीज को समझो।
कर्द कर्दम ऋषि कहाँ जा रहे हैं भजन करने के लिए? जंगल में भगवान को भक्ति करने के लिए। बोले भगवान तो तुम्हारे घर में बैठे हैं, भगवान तुम्हारे घर में है ना कपिल मुनि रूप में, फिर तुम भक्ति करने के लिए किसको जा रहे हो? जंगल में फिर क्यों जा रहे हो? यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा दी है। कहते जब तक हम साधन नहीं करेंगे तब तक हृदय में भगवान का प्रति प्रेम प्रकट नहीं होगा, और जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्त नहीं होता है, है? अगर प्रेम आने से पहले अगर भगवान हमें दर्शन भी दे देंगे हमारे कोई लाभ होने वाले नहीं। जैसे रावण ने राम को दर्शन किया कि नहीं? किया कि नहीं? किया है ना, लेकिन उसको कोई लाभ हुआ है? मेघनाद ने राम लक्ष्मण को दर्शन किया कि नहीं? किया है ना, कोई लाभ हुआ? भगवान को नागफास बंधन में बांध दिए और उनको बोले शक्तिशैली की प्रहार की, ये बताओ कंस ने कृष्ण को दर्शन किया कि नहीं? किया, लेकिन भगवान के साथ में उसने लड़ाई किया है। शिशुपाल कृष्ण को दर्शन किया कि नहीं? किया है। देखना ठाकुर जी सामने खड़े 101 गाली उन्होंने ठाकुर को निकाला, 101 गाली निकाला। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर हृदय में प्रेम नहीं होना तब तक भगवत दर्शन करके हमारे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए प्रेम कब आएगा? जब भगवान की साधन करेंगे। इसलिए घर में ठाकुर जी है तभी वो जाते हैं जंगल में भजन करने के लिए चले गए। घर में केवल दो व्यक्ति माँ और बेटा, माँ को पता मेरा बेटा भगवान है। एक दिन माँ आकर के बेटे को सामने बैठ करके बेटे को प्रश्न करती, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मेरा मन बहुत चंचल है, तुम बताओ मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? अरे भगवान ने माँ को उपलक्ष्य करते हुए बड़े सुंदर ज्ञान की बात बताई, बोले माँ ये जो मन है यही मुक्ति के कारण है, और यही जो मन है यही बंधन के कारण है। जब ये मन को हम भगवान के चरण में लगाएंगे ये मुक्ति के कारण बन जाएगी, जब ये मन को फिर हम विषय में लगा देंगे फिर ये बंधन के कारण बन जाएगा। इसलिए माँ ये मन को तुम भगवान के चरण में लगा दो। बोले बेटा तुमको बोल दिया भगवान के चरण में लगाओ, लेकिन ये तो इतना आसानी नहीं। कहते ना ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन को, ये तो मन बहुत चंचल है हम भजन में कैसे लगाएंगे? बोले माँ ये मन को भजन में लगाने के लिए एक ही काम करना, मेरे भक्तों का संग तू करना। मेरे भक्तों का संग करोगे तो माँ संतों का संग से ही है ये मन अपने आप मेरी चरण में लग जाएगी, अपने आप मन चरण में लग जाएगी। इसलिए बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवति हृदि कर्ण रसायन कथा। बोले संत संग में मेरी जो कथा होती है माँ उसको सुनोगे तो देखो संतों का जो कथा है ना वाणी है, भगवान कहते हैं जैसे कि तलवार होता है ना, तलवार से क्या करते हैं काट देते हैं। इसलिए संतों का जो वाणी है कभी कभी लगता है जैसे बड़े कठोर है, कठोर लगता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो सही साधु होगा ना वो हमारी मन पसंद चीज की बात नहीं करेगा, हम जैसे चाहते हैं कभी ऐसी बात नहीं करेगा। देखना जब किसका कोई फोड़ा हो गया, जब ऑपरेशन करते हैं कैसे लगता है, काट काट फाड़ कर चीर देते हैं ना, वो सारे पी को निकाल देते हैं, लेकिन लगता तो कष्ट लगता है, लेकिन बाद में जब सही हो जाए फिर बढ़िया लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं माँ जो मेरी भक्तों का जो कथा है, क्योंकि अभी हम संसार में आसक्ति है, ये आसक्ति होने का नाते संतों का वाणी हमें कठोर लगता है। क्यों? वो कहते भैया आसक्ति चीज को छोड़ो, छोड़ करके मन को ठाकुर जी के चरण में लगाओ, लेकिन हमारे मन तो गंदी गंदी चीज में लगी हुई है, वो मन तो सहज में वो चीज छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए भगवान कहते माँ अगर तुम मेरे भक्तों का संग करोगे, मेरी कथा सुनते सुनते तुम्हारी मन धीरे 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 तुम्हारी मन मेरी चरण में लग जाएगी। अगर तू सत्संग करोगे तो तुमको 5 चीज की लाभ होगी। बोले 5 चीज क्या है? बोले अ प वर्ग वर्तमनी। कहती है प वर्ग मतलब आप लोग हिंदी पढ़े होंगे, प वर्ग क्या क्या होते हैं? प फ ब भ म, ये प वर्ग है। भगवान कहते हैं अगर मेरे संतों का संग करोगे तुमको ये जो 5 चीज तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। बोले प, बोले प में परिश्रम, बोले फ मतलब फेंड, फेंड मतलब होता है कभी कभी संसार में हम इतने परिश्रम करते हैं मुंह से फेंड मतलब झांक निकल जाती है। बोले ब मतलब व्यर्थता,
बोले भा मतलब भाई, बोले माँ मतलब मृत्यु। कहती जो पांच चीज है माँ तुम्हारी समाप्त हो जाएगी, बोले जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए तुम्हारी मुक्ति मिली जाएगी संसार से। इसलिए माँ मेरे भक्तों का तुम संग करते रहना। फिर मैया प्रश्न करती है, बोले आप तो बोल दिया मेरे भक्तों का संग करो, लेकिन कुछ मेरे भक्तों का कुछ लक्षण तो बता दे। तो भगवान संतों की 26 लक्षण बताए। हाँ 26 लक्षण में कहते उनका जो 25 लक्षण है ये बाहर का लक्षण है, लेकिन इसमें एक लक्षण है जो अंदर के लक्षण है। कहते उनका पहला लक्षण क्या है, बोले तितिक सर्व कारुणिक सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव संता साधुवी साधु भूषण। इनका पहला लक्षण है सहन शक्ति। हाँ देखो बंगला में कहावत है, जो सहे सो रहे। अब जो नाश है वो नाश है, संसार में हो वा संत जीवन में हो। इसलिए सहन शक्ति एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए सहन करना सीखनी चाहिए। अगर बात बात में क्रोध आ जाए मचल जाए, फिर संसार में भी गड़बड़ और साधु जीवन में भी गड़बड़े। हाँ देखो एक संत थे जिनका नाम था थुकारा, नाम सुने हो, कभी भी इनके जीवन में कभी क्रोध नहीं आते थे, कभी नहीं। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने सोचा आज इनको किसी तरह से क्रोध देकर हम छोड़ेंगे। वो रोज गंगा में स्नान करने जाते थे। वो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक टोकरी में जितने सारे कचड़े को लेकर के रास्ता में खड़े हो गए। जब वो स्नान करके आए गंगा से पूरा सर पर डाल दिए, उसने कुछ भी नहीं बोले और सीधा गए गंगा में फिर नहा कर गए, फिर दो बार डाल दिए। ऐसे उन्होंने 100 बार उनको सर पर कचड़े को डाले, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। जब 100 बार में कुछ नहीं बोले, इतने में उनको चरण में गिर पड़े। इसलिए बाबा आपको तो मैंने बहुत कोशिश की आपके अंदर में क्रोध देने के लिए, लेकिन किसी तरह से क्रोध नहीं आया। इतने में बोले, बोले तुम तो मेरे बहुत उपकार किए हो। बोले क्या उपकार किया, बोले रोज मैं स्नान करता था गंगा में एक बार, लेकिन तेरी वजह से आज कितना बार स्नान कर लिया, 100 बार। मैंने 100 बार स्नान कर लिया, इसलिए तुम मेरे उपकार किया है ना। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं जो पहला जो गुण इनकी सहन शक्ति, बोले दूसरा गुण क्या है, बोले बहुत दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त थे नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु को घर घर में भेजे जा प्रचार कर, लेकिन दो पियकर शराब पी रहे थे। जब उनको पास में गए ना, वो एक मटकी में शराब पी रहे थे और उन्होंने मटकी को उनका सर पर दे मारे, उनका सर फट गया। लेकिन वो तब भी कहते हैं, बोले भैया भले ही तुमने एक मेरे को सर फोड़ दिया, लेकिन एक बार तो ठाकुर का नाम तो कर ले, एक बार तो भगवान का नाम ले। इसलिए आप लोग सबके सब एक बार बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए वो बड़ी सहन शक्ति होते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम, सबको समझते हैं हम एक ही पिता माता का ही संतान है। कौन है, बोले भगवान है, हम उनकी ही औलाद है। उनका अंदर में कोई भेद भावना नहीं रहता है, ये मेरा और ये तेरा अंदर में नहीं रहता है। कहते इनकी ये जितने लक्षण है ये बाहर का लक्षण है, लेकिन उनका जो कि अंदर का लक्षण है एक लक्षण है। हाँ देखो ये चीज को आप लोग अच्छे तरह से समझ लो। ये भगवान ये बात को खुद कहते हैं, उनकी एक विशेष गुण है। बोले विशेष गुण क्या है, बोले मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बन्ति जे दृढ़ा। बोले माँ वो अनन्य रूप में मेरी उपासना करते हैं। हाँ अनन्य रूप में उपासना करते हैं, बोले अनन्य रूप में मतलब क्या है। हाँ देखो ये चीज को अच्छी तरह से आप लोगों को समझो। ये भगवान खुद कहते हैं, कहते जो इष्ट है ना वो एक होनी चाहिए। जैसे मीरा की, मीरा क्या कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न को। ये गोपियां क्या कहती है, जब उद्धव जी गए गोपियों के ज्ञान की बात बताए, हाँ उनको बोले तुम ध्यान करो, गोपियां क्या कहते, बोले उद्धव मन ना भयो 10-20, एक मन सो गए श्याम संगे
को महाराज ईस मन दस बीस नहीं मन एक है, वो तो कृष्ण को साथ में गया हुआ है। तो ध्यान की बात करते हो, ध्यान तो मन से होता है, मन तो है नहीं, हम ध्यान किससे करेंगे? जैसे श्री हनुमत लाल है, इनके इष्ट कौन है? भगवान राम है। तुलसीदास का इष्ट कौन है? भगवान राम। देखो यहाँ पर शिक्षा देते, जो इष्ट है ना, इष्ट एक होनी चाहिए, इष्ट बहु नहीं होते हैं, इष्ट बहु नहीं होनी चाहिए, इष्ट एक होनी चाहिए, तभी उसमें जैसे आप कोई पढ़ाई करते हैं, सीए करता है, डॉक्टर इंजीनियर करते हैं, कोई एक विषय को लेकर के तभी पढ़ाई करते हैं, तभी उसमें सक्सेसफुल होते हैं। उसके लिए भागवत में उदाहरण दिया, कहते वत्स्य कुर्वन्ति माम भक्त्या सत पत्नी सत पतिम जथा, नारायण कह रहे हैं। कहते जैसे एक पति व्रता नारी अपनी पति की सेवा करते करते पति को वशीभूत कर देता है, वो पति व्रता नारी। लेकिन जब किसी लड़की की शादी होती है किसी घर में, देखना उसमें जेठ भी होता है, देवर भी होते हैं, ननद भी होते हैं, लेकिन उसको सबको आदर करना पड़ता है, सभी को सेवा करना पड़ता है, लेकिन अपना हृदय में किसको बैठाता है बताओ? हृदय में किसको बैठा है? पति को। अगर किसको साथ लड़ाई भड़ाई इधर हुआ ना, फिर वो क्या करेगी? अपना पति को लेकर के वो अलग हो जाती है। कहते उसी तरह जो भक्ति है, ये एक पति व्रता नारी की धर्म, ये पति व्रत, ये भक्ति धर्म है। इसलिए भगवान कहते माँ वो अनन्य रूप में मेरी उपासना करते, सबका सम्मान दो, लेकिन हृदय में भगवान ठाकुर जी को, केवल हृदय में ठाकुर जी को बैठा करके रखनी चाहिए। तो उन्होंने भगवान मैया को बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश दिए, बोले माँ भले ही किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म हो, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते माता, उसका कोई महत्व नहीं। महत्व है भगवान की भक्ति की, महत्व है। हनुमान जी कौन से जाति में जन्म हुए? बंदर। सबरी कौन से जाति के? सबरी। गुहा चंडा, देखो प्रभु की भक्ति किया तो दुनिया में पूज्य हो गए। इसलिए माँ जीवन में भगवान को प्रेम करनी चाहिए, भक्ति एक अनिष्ट भक्ति करनी चाहिए। माँ को बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बताई प्रभु, बता करके ठाकुर जी चले गए। बोले कहाँ चले गए? बोले गंगा सागर। गंगा सागर कोई कोई गए हो? कौन कौन गंगा सागर गए? हाँ, कहते गंगा सागर में अभी ये मकर संक्रांति आई ना, कहते वहां का पानी स्वाभाविक रूप में वो पानी नीचे उतर कर आ जाती है, केवल साल में एक बार वो पानी अपने आप नीचे उतरते हुए आ जाएगा। और साल में एक बार केवल भगवान कपिल भगवान का जो मंदिर है, साल में एक बार प्रभु जी को दर्शन मिलता है। बोले श्री कपिल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो बापन भगवान को बनाया, बना रहे हैं, बना रहे हैं, मैं बुलाऊंगा उसको बना करके ना, और नंद जसोदा को बन रहे हैं। आप जसोदा हो, नंद बाबा बैठे, पगड़ी लाएगी नहीं? एक एक कपड़े को अपना सर पर, एक कपड़े को पगड़ी बना देना, ठीक है ना? एक पगड़ी बना दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।